हेलो गाइस, ये है मेरी न्यू वीडियो। क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद अपनी वीडियो कोई अपने चैनल पे डाल रही हूँ, क्योंकि कई टाइम बाद मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ। बीच में थोड़ा बिज़ी हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने अपनी वीडियोस बनानी छोड़ दी। तो हेलो गाइस, मैं आज अपने बच्चों को पूल लेकर आई थी अपनी भाभी के साथ। उनके बच्चे और मेरे बच्चे बहुत दिनों से ज़िद कर रहे थे कि छुट्टियां पड़ रही हैं, मम्मी चलो हम पूल में चलेंगे नहाने के लिए, और गर्मी भी बहुत हो गई है। तो हमारे घर के पास ही एक कॉम्प्लेक्स है जहां पर पूल की फैसिलिटी है, तो वहां पर बच्चों का और बड़ों का पूल अलग अलग है। यहाँ पर बड़े भी नहा सकते हैं और छोटे भी, और इसलिए फिर मैं बच्चों को लेके आई यहाँ पर। तो देखिए, वो काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे। ये है बच्चों का पूल, और इसके साइड में ही है बड़ों का पूल, जहाँ पर बच्चे भी नहा सकते हैं लेकिन बड़ों के साथ। यहाँ पर ये पूल में खाली बच्चे ही नहाते हैं, तो आगे वीडियो में आप बड़े वाला पूल भी देखोगे। ये आ गया है बड़ों वाला पूल, जिसमें मेरी भाई की बड़ी बेटी नहा रही थी। ये मेरी बेटी है रिद्धिमा, इसको डर लगता है थोड़ा बड़े पूल में, इसलिए वो छोटे पूल में जाने के लिए पूछ रही थी। वो मेरा बेटा है, किसी आंटी के साथ नहा रहा था, क्योंकि मैं नहीं जा पाई तो इसलिए वो आंटी के साथ वहाँ पर नहा रहा था, क्योंकि उसे डर लग रहा था, क्योंकि काफ़ी गहरा पानी है। तो हाफ एन आवर का टाइम था इनका, लेकिन इन्होंने उसमें काफ़ी इन्जॉय किया। और अभी ये टाइम हो रहा है, तो इसलिए विसल्स बज रही हैं कि आप बाहर निकले, क्योंकि दूसरा स्लॉट आएगा अभी। लेकिन काफ़ी अच्छी जगह है इंजॉय करने के लिए। अभी इतनी गर्मी हो रही है तो बस ऐसा लगता है कि पानी में ही रहो पूरा टाइम। और ये है साइड में बच्चों का पूल, ये इधर। तो उनका मन नहीं कर रहा था जाने को, इसलिए वो इधर भी आ गए बिल्कुल लास्ट टाइम पे। और अच्छा है, काफ़ी हाइजीनिक है, कोई भी गंदगी नहीं है, काफ़ी सेफ है। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे स्विमिंग करना सीखते भी हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनर्स भी हैं, लेकिन उनके चार्जेस हैं। तो इस वजह से हम तो कभी कभी आते हैं, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि सीखना है, पर अभी नहीं। तो ठीक है, फिर आगे मिलते हैं नई वीडियो में। बाय।